अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है ना खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह हवा आई हुई है, हवा में थोड़ी सी मिट्टी शामिल है। हम घास काटने आए थे, आज जो मैं ट्राली लिए अपना घास उठा रहा हूँ। आज कंधों पे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़मीन खुश्क हो गई है। ये देखिए ज़मीन जो है ना खुश्क हो गई है। अब हम ट्राली जहाँ से आसानी से खींच सकते हैं हाथों वाले। ये देख रहे हैं, ये घास काट रहा है छोटा बिराई मेरा। दूसरे वाला बोल रहा ले आ रहा घास की पैमाइश भी करनी है क्योंकि और लोगों ने भी यहाँ से घास काटा था, तो इसलिए उनकी पैमाइश करके उनसे पेमेंट वसूल करनी है। हम लोग देखते हैं कब, ये देख रहे हैं आप लोग हवा चल रही है, पता नहीं क्यों हवा में मिटक सी है। एक गाय, एक गाय का फाल और एक गाय बछड़ा है हमारा, हम उनके लिए ये घास काट रहे हैं। साथ वाला घास जो है वो और ने औरों ने काटा था, साथ ही सब्जी है हमारी। तंगा मत है रपा, ये घास की पैमाइश का कह रहे हैं अबू जी के 14,007 करके टैक्सी में ना हो, फिर हमने जो है ना मगले बना लेने हैं इसके साथ। मथेर तंगा पा, ये गंजा गंजू काम पे लग जा, गंजू गंजू काम पे लग जा, चल घास पा। ये तंगा इसमें जो है ना अंदर घेरा हुआ है, चल गंजू। जो है मर्तबा गिर गया था नीचे, इसलिए इसकी कटाई में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। ये गंजू शिकवा भी कर रहा है कि जमीन जो है ना गीली है। ये गंजा ऐसा शिकवा तुम, इसके ऊपर मैं घास तो रखूंगा फिर इसे जो है ना खींचूंगा। ये ट्राली बारिश की वजह से मुझे कांधों पे उठाना पड़ता था, लेकिन अब जमीन खुश्क हो गई है तो इसलिए वो चुनदा वा नाल दे नाल थी ले। वो भी भरी पाओ पर जी
एक मिनट बात करें बात कहीं से show my body to my viewers how I take it. चल दिखा ये देखे खुले खोलो अल्लाह बस